नमस्कार बच्चों, गुरुकुल एकेडमी की नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की क्लास बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम स्टैटिक जीके से संबंधित बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। जैसे भारत में कोई भी एग्ज़ाम जिसमें जीके या जीएस पूछा जाता है, आप सभी जानते हैं कि उसमें नेशनल पार्क या बायोस्फीयर रिजर्व से संबंधित क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो आज हम भारत में जितने भी नेशनल पार्क पाए जाते हैं या बायोस्फीयर रिजर्व हैं या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसे आज की क्लास का पहला सवाल है कि भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं, ऑप्शन ए घने जंगलों से, ऑप्शन बी नदियों और झीलों से, ऑप्शन सी मानवीय बस्तियों से, या ऑप्शन डी पर्वत और पहाड़ियों से। और इसका सही जवाब है घने जंगलों से। तो वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र, अब देखिए इसमें जो नेशनल पार्क वगैरह होते हैं उनको उनको संरक्षित क्षेत्र कहते हैं। नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व या वन्य जीव अभयारण्य, इन्हें संरक्षित क्षेत्र कहा जाता है। और इनका संरक्षण एक अधिनियम जिसका नाम है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत भारत में नेशनल पार्क और इसके बाद में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व। तो भारत में जितने भी नेशनल पार्क हैं, करीब करीब हमारे देश में 106 नेशनल पार्क हैं, 500 से भी अधिक वन्य जीव अभयारण्य हैं, और हमारे देश में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो इन सभी को प्रोटेक्टेड एरिया कहते हैं, संरक्षित क्षेत्र कहते हैं। और इनका संरक्षण जिस अधिनियम के तहत होता है वो उस अधिनियम का नाम है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो भारत के जो अधिकांश नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये घने जंगलों से घिरे हुए हैं, लेकिन कुछ नेशनल पार्क ऐसे भी हैं या वन्य जीव अभयारण्य ऐसे भी है जो घने जंगलों से नहीं घिरे हैं। जैसे राजस्थान में हम लोग पढ़ेंगे जो है मरुस्थलीय नेशनल पार्क, वो जो है एक प्रकार से थार के डिजर्ट को ही एक हिस्से को नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया है। और उस थार जो डिजर्ट नेशनल पार्क है या डिजर्ट नेशनल पार्क है, उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट पक्षी पाया जाता है जिसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या महान भारतीय सारंग के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार से भारत का जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क, वो एक प्रकार से शीत मरुस्थल का उदाहरण प्रस्तुत करता है। हिमाचल प्रदेश में जो कोल्ड डिजर्ट नाम का नेशनल पार्क पाया जाता है। तो कुछ ऐसे नेशनल पार्क हैं जो घने जंगलों से नहीं घिरे हैं, और जैसे डिजर्ट नेशनल पार्क, कोल्ड डिजर्ट नेशनल पार्क वगैरह। लेकिन ज़्यादातर भारत में जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जिन्हें वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1972 के तहत प्रोटेक्शन दिया गया है, वो ज़्यादातर घने जंगलों से घिरे हुए हैं। नेक्स्ट सवाल है, आप भारत में आज ऐसे कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं यानी नेशनल पार्क हैं जिन्हें देश के वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। तो भारत में करीब करीब 106 नेशनल पार्क हैं जिन्हें वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। तो इसका ऑप्शन है डी। अब जैसे भारत में, मतलब एक मोटा मोटा आंकड़ा आप याद रखिएगा, भारत में जैसे नेशनल पार्क, तो लगभग भारत में नेशनल पार्क 106 पाए जाते हैं। और भारत में जो पहला नेशनल पार्क है जिम कार्बेट भारत का पहला नेशनल पार्क है। और आजकल जिम कार्बेट को रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जिम कार्बेट नेशनल पार्क से रामगंगा नदी प्रवाहित होती है, इसको रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। पहले इसे हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, तो 1936 के आसपास इसको हैली नेशनल पार्क, और वर्तमान में इसे रामगंगा नेशनल पार्क कहते हैं। ये भारत का पहला नेशनल पार्क है। और एक नेशनल पार्क याद रखिएगा, येलोस्टोन नेशनल पार्क, विश्व का जो पहला नेशनल पार्क है येलोस्टोन नेशनल पार्क, वो यूएसए में है। ये दुनिया का पहला नेशनल पार्क है।
और इसके बाद में भारत का जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हैमिस लद्दाख, हैमिस नेशनल पार्क जो कि लद्दाख में है, ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। और साउथ बटन, साउथ बटन जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, ये भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। अगला सवाल चलते हैं, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, और इसका सही जवाब यही है ऑप्शन ए रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। और ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आप सब जानते हैं एक सींग के गैंडे के लिए जाना जाता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। और गुजरात का ये गिर राष्ट्रीय उद्यान अपने एशियाटिक लायन के लिए जाना जाता है, एशियाटिक लायन के लिए गुजरात का गिर नेशनल पार्क जाना जाता है। तो इस सवाल का सही जवाब है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान या जिम कार्बेट नेशनल पार्क। देखिए भारत में जैसा कि हमने जाना कि करीब करीब 106 नेशनल पार्क पाए जाते हैं, तो आइए 2-5 मिनट में हम भारत के सभी नेशनल पार्कों को एक नज़र में देख लेते हैं। और आप इन नेशनल पार्कों को अपने कॉपी में भी नोट कर सकते हैं, ये हमेशा आपके काम में आएंगे। तो देखते हैं भारत के कौन कौन से नेशनल पार्क है, कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। जैसे यहाँ से शुरू करते हैं भारत में नेशनल पार्क, तो आपको देखो कैसे याद रखना है, अंसी नेशनल पार्क कर्नाटक में है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, बालफकराम नेशनल पार्क मेघालय, बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक, बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क कर्नाटक, और पहले ये एक प्रकार का तितली उद्यान था, बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क अपने तितलियों के लिए जाना जाता है। और बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का, ये सफ़ेद बाघों के लिए जाना जाता है, मध्य प्रदेश का बांधवगढ़। नागरहोल, इसी को राजीव गांधी नेशनल पार्क कहते हैं नागरहोल, ये कर्नाटक में है, आप सबकी एक लिस्ट बना लीजिएगा। वंशधार नेशनल पार्क गुजरात में है, गिर नेशनल पार्क गुजरात में है। बेतला बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बेतला नेशनल पार्क झारखंड में है, झारखंड में है। ब्लैक बक नेशनल पार्क या बेलवादर, ये गुजरात में है। बुक्सा पश्चिम बंगाल में है। कैंपबेल बे, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो सबसे दक्षिणी द्वीप है जिसे हम लोग ग्रेट निकोबार बोलते हैं, तो ग्रेट निकोबार में कैंपबेल बे है। ग्रेट निकोबार में ही गलाथिया है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। रानी झांसी मैरीन नेशनल पार्क अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नॉर्थ बंटन, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ से आपको एक बंटन शब्द को कीवर्ड के तौर पर लेना है कि जिस किसी नेशनल पार्क में बंटन शब्द आएगा उसका संबंध अंडमान निकोबार द्वीप समूह से होगा, चाहे वो नॉर्थ बंटन हो, चाहे मिडिल बंटन हो या साउथ बंटन हो। तो नॉर्थ बंटन में नेशनल पार्क अंडमान निकोबार, मिडिल बंटन अंडमान निकोबार, और साउथ बंटन नेशनल पार्क अंडमान निकोबार। मणिपुर, माउंट मणिपुर या हैरियट, ये भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। जैसा कि हम जानते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है, और सैडल पीक का नाम का नेशनल पार्क भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। माउंट हैरियट चोटी भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, लेकिन सरकार ने कुछ समय पहले माउंट हैरियट का नाम बदल करके माउंट मणिपुर कर दिया गया है। तो अगर पूछा जाए कि मणिपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो इसका सही जवाब होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ना कि मणिपुर। इसलिए मणिपुर या हैरियट, ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में है, और ये जो डेजर्ट नेशनल पार्क है ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या महान भारतीय सारंग के जो है बेटा एक प्राकृतिक आवास के लिए जाना जाता है। डिब्रू सैखोवा, ये असम में है। और नेशनल पार्कों में ये एक भी एक छोटा नेशनल पार्क है जो कि असम में है, वैसे सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ बटन है। इराविकुलम केरल में है, और जैसे कभी पूछा जाए कि नीलगिरी की मेघ बकरियां, जिन्हें हम लोग ताहिर बोलते हैं, नीलगिरी की मेघ बकरियां जो है बेटा बहुतायत रूप में कहां पर मिलती हैं, तो केरल के इराविकुलम नेशनल पार्क में मिलती है।
फॉसिल या जीवाश्म नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, गोरुमारा नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल, गोविंद नेशनल पार्क उत्तराखंड, गुगामल महाराष्ट्र और गुंदिन नेशनल पार्क तमिलनाडु। फिर आगे हेमिस लद्दाख का लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस दाचीगाम जम्मू कश्मीर में है और दाचीगाम ये अपने हंगुल के लिए जाना जाता है, एक प्रकार का ये मृग होता है हंगुल या कश्मीरी स्टैग। दाचीगाम नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर और सलीम अली भारत में पक्षियों के एक प्रकार से अध्ययन के लिए जाने जाते हैं सलीम अली, और इन्हें जो है आप कह सकते हैं कि पक्षी विज्ञान का पिता कह सकते हैं सलीम अली को ये, और सलीम अली के नाम पर जम्मू कश्मीर में एक नेशनल पार्क भी है। इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में, इतांकी नागालैंड, कालेसर हरियाणा, सुल्तानपुर हरियाणा, कान्हा किसली नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, कांगेर घाटी छत्तीसगढ़, काजीरंगा असम, काजीरंगा बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जो नेशनल पार्क है असम का काजीरंगा, इसके बीचों बीच लगभग ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होती है और यही नेशनल पार्क अपने एक सींग के गैंडों के लिए जाना जाता है। तो वन हॉर्न जो राइनो है वो असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। कासू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क तेलंगाना, केबुल लामजाओ, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क ये मणिपुर में है और इसके बारे में आपको याद रखना है, पूछा जाए विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क या विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। और मणिपुर में एक बेटा झील पाई जाती है लोकटक झील, मणिपुर में लोकटक झील और पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है लोकटक झील, उसी लोकटक झील में ये केबुल लामजाओ नाम का फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। और जब आप मणिपुर की लोकटक झील को देखेंगे तो वहाँ पर आपको जो है कुछ वनस्पतियाँ दिखाई देंगी जिन्हें फूमडी के नाम से जाना जाता है, फूमडी। और इसी लोकटक झील के पास में मणिपुर में संगाई हिरण पाए जाते हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, संगाई हिरण कहाँ पर मिलते हैं, मणिपुर में मिलते हैं लोकटक झील के पास। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, कंचनजंगा सिक्किम, कुद्रेमुख कर्नाटक, किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर, बांधो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क अंडमान निकोबार, मथिकेतन सोला केरल, मोल्लम नेशनल पार्क गोवा, मौलिंग, ये सभी इम्पोर्टेंट हैं, मोल्लम नेशनल पार्क गोवा, मौलिंग अरुणाचल प्रदेश, नामदाफा अरुणाचल। और पूछा जाए कि भारत का सबसे पूर्वी नेशनल पार्क कौन सा है, तो भारत का सबसे पूर्वी नेशनल पार्क है नामदाफा नेशनल पार्क। और नामेरी नेशनल पार्क असम, मृगवानी तेलंगाना, नंदा देवी उत्तराखंड और नवेगांव महाराष्ट्र, नेवरा वैली पश्चिम बंगाल, नोकरेक मेघालय, नोकरेक क्या है, मेघालय में गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां पाई जाती है, तो गारो पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी को ही नोकरेक कहा जाता है। मुकुर्थी नेशनल पार्क तमिलनाडु में है, मृदुमलाई तमिलनाडु में है, मुरलिन मिजोरम, सिंगालीला पश्चिम बंगाल, फूलों की घाटी उत्तराखंड, वाल्मीकि बिहार, वन बिहार नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, औरंग नेशनल पार्क असम, पन्ना नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, पेंच जो नेशनल पार्क है, अब इसकी सिचुएशन को समझिए कि पेंच नेशनल पार्क का कुछ भाग महाराष्ट्र में है और कुछ भाग मध्य प्रदेश में है। ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क या फांगपुई के नाम से भी इसको जाना जाता है, फांगपुई या ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, ये मिजोरम में है, मिजोरम में मिजो पहाड़ियाँ पाई जाती है, मिजो पहाड़ियों का सबसे जो सर्वोच्च बिंदु है वो आपका ब्लू माउंटेन है। राजा जी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। सैडल पीक अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है और इसके नाम पर नेशनल पार्क भी है। संजय धुबरी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, सरिस्का राजस्थान, सतपुड़ा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, सिरोही नेशनल पार्क मणिपुर, सिमलीपाल उड़ीसा और देहिंग पटकाई नेशनल पार्क असम और रायमोना नेशनल पार्क असम। तो ये भारत के लगभग जो है हमने सभी नेशनल पार्कों को इसमें कवर कर दिया है।
अगर आप इन सभी नेशनल पार्कों को पढ़ लेते हैं तो इस बात की गारंटी है कि नेशनल पार्क का एक भी सवाल आपसे परीक्षाओं में गलत नहीं होगा। और भारत में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश वगैरह में पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम वगैरह, ठीक है, ये टॉप के राज्य हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क पाए जाते हैं। तो इससे इसका सवाल का सही जवाब है पहला। आइए, राजीव गांधी नेशनल पार्क, अब राजीव गांधी नेशनल पार्क या नागरहोन नेशनल पार्क कर्नाटक में है। चौथा, बेतला पार्क कहाँ पर स्थित है, ये थोड़ा सा बिहार में नहीं है, बेतला पार्क बिहार के स्थान पर झारखंड होना चाहिए, तो बेतला नेशनल पार्क झारखंड में है, इसका दूसरा ऑप्शन सही है। तीसरा, एशियाटिक बब्बर शेर का निवास स्थान या एशियाटिक लायन के लिए कौन सा नेशनल पार्क जाना जाता है, गुजरात का गिर, कान्हा मध्य प्रदेश में है, कार्बेट उत्तराखंड में, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में है और ये यूपी का एकमात्र नेशनल पार्क है दुधवा। निम्नलिखित अभयारण्यों में से कौन उल्लिखित संरक्षित प्रजातियों से सुमेलित नहीं है, जैसे जिम कार्बेट नेशनल पार्क बाघ, ठीक है, काजीरंगा एक सींग के गैंडे के लिए, केरल का पेरियार हाथियों के लिए, लेकिन जो घाना है केवला देवघाना ये राजस्थान में है और ये जो है अपने पक्षियों के लिए जाना जाता है ना कि शेर के लिए, तो इस सवाल का सही जवाब हो गया सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान हंगुल या कश्मीरी स्टैग से संबंधित है। और निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, पहला स्टेटमेंट, राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा विधान से परिभाषित होती है, बिल्कुल सही है, और वो विधान कौन सा है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, आरक्षित जैव क्षेत्र की घोषणा यानी बायोस्फीयर रिजर्व, आरक्षित जैव क्षेत्र का मतलब है, आरक्षित जैव क्षेत्र का मतलब है बायोस्फीयर रिजर्व, आरक्षित जैव क्षेत्र का मतलब है बायोस्फीयर रिजर्व की घोषणा, वनस्पति जात यानी वनस्पति जात का मतलब फ्लोरा फ्लोरा, और प्राणी जात का मतलब फौना, प्राणी जात का मतलब फौना की कुछ विशिष्ट जातियों के संरक्षण के लिए की जाती है। ये जो विशिष्ट शब्द यहाँ पर लिखा है ये नहीं होना चाहिए, असल में जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, आगे इस पर और चर्चा होगी, जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, बायोस्फीयर जो रिजर्व होते हैं भारत में जिनकी संख्या 18 है, ये बायोस्फीयर रिजर्व में जितने भी उसके अंदर फ्लोरा और फौना की प्रजातियाँ होती हैं उन सभी को संरक्षण प्रदान किया जाता है, ना कि किसी स्पेसिफिक फ्लोरा और फौना की प्रजाति को। तो यहाँ पर जो विशिष्ट शब्द लिखा है वो नहीं होना चाहिए, अगर विशिष्ट की जगह पर यहाँ पर समग्र शब्द होता, समग्र होता, तो ये दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाता। और वन्य प्राणी अभयारण्य में सीमित जीवी हस्तक्षेप की अनुमति होती है, तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका हो गया एक और तीन। देखिए, नेक्स्ट सवाल है कि भारत के निम्नलिखित में से किस वर्ग के आरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को जीव भार यानी बायोमास एकत्रित करने और उसके उपयोग की अनुमति नहीं है, इसका सही जवाब है नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान। देखो बेटा, जो जैसा कि हम जानते हैं कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बायोस्फीयर रिजर्व ये सारे के सारे प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं, संरक्षित क्षेत्र होते हैं, और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इनको संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो ये सभी संरक्षित क्षेत्र तो हैं, नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व ये सभी संरक्षित क्षेत्र तो हैं, लेकिन इन दोनों में इन सभी में कुछ ना कुछ अंतर होता है। जैसे जो नेशनल पार्क होते हैं, नेशनल पार्क में किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधि की इजाज़त नहीं होती है। अगर मान लीजिए हमने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत एक बाउंड्री निर्धारित कर दी कि भाई इसके अंदर का जो एरिया होगा वो नेशनल पार्क है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर किसी भी प्रकार के मानवीय गतिविधि की इजाज़त नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज नहीं होगी, नो ह्यूमन एक्टिविटीज
ये नेशनल पार्क की विशेषता होती है। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और मान लीजिए ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जैसे इसमें लिखा है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मानवीय गतिविधियों की सीमित इजाजत होती है, यानी मानवीय गतिविधियों को पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है, लेकिन मानवीय गतिविधियों की यहाँ पर सीमित इजाजत होती है। ठीक है, जैसे जैसे जो है ग्रेजिंग वगैरह करा सकते हैं, बायोमास को एकत्र कर सकते हैं। तो ये तो हो गया नेशनल पार्क के बारे में और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व की। जो बायोस्फीयर रिजर्व है, जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है बेटा, उस बायोस्फीयर रिजर्व को तीन भागों में बांटा जाता है। एक भाग को कोर एरिया कहते हैं, और कोर एरिया क्या होता है? कोर एरिया में किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधि की इजाज़त नहीं होती है। बायोस्फीयर रिजर्व का जो कोर एरिया होता है, वहाँ पर किसी भी प्रकार की ह्यूमन एक्टिविटीज़ की कोई इजाज़त नहीं होती है। जो दूसरा एरिया होता है, यानी कोर एरिया को घेरे हुए जो एरिया होता है, उसको बोलते हैं बफर जोन, उसको बोला जाता है बफर जोन। तो ये बफर जोन है। बफर जोन में केवल जो है वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए बफर जोन का प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद में ये जो सबसे बाहरी क्षेत्र होता है, इसको बोला जाता है ट्रांजिशन एरिया, और ट्रांजिशन एरिया में मानवीय बस्तियां हो सकती हैं। तो देखिए गौर से समझिए, जो अब जैसे सवाल पूछा जाए कि क्या बायोस्फीयर रिजर्व में मानवीय गतिविधियों की इजाज़त होती है, तो हम अगर बायोस्फीयर रिजर्व के पूरे स्ट्रक्चर को देखें तो हम कह सकते हैं कि होती भी है और नहीं भी होती है। जैसे बायोस्फीयर रिजर्व के कोर और बफर एरिया में, मानवीय गतिविधियों की इजाज़त नहीं होती है, लेकिन इसका जो ट्रांजिशन एरिया होता है, इसमें मानवीय गतिविधियों की इजाज़त होती है। अब भारत में जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जैसे आप उनको भी देख लीजिएगा, भारत में करीब करीब 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो देखिए इनकी सूची क्या है बायोस्फीयर रिजर्व की। तो भारत का, अगर पूछा जाए भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व किसे घोषित किया गया था, तो जो नीलगिरी क्षेत्र है वो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, और 1986 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। और इसका विस्तार तीन राज्यों में है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। तो भारत का जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व है वो है नीलगिरी। इसके बाद में नंदा देवी को, जो कि उत्तराखंड में है, 1988 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। नोकरेक, ये मेघालय में है, 1988। ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, 1989। मन्नार की खाड़ी, तमिलनाडु, इनको सबको याद कर लीजिएगा कौन कौन से भारत में बायोस्फीयर रिजर्व है। पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन है? तो नीलगिरी, नंदा देवी, नोकरेक, ग्रेट निकोबार, मन्नार की खाड़ी और मानस, असम का मानस, सुंदरबन, पश्चिम बंगाल, सिमलीपाल, ये बेटा उड़ीसा में है। और इसको 1994 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। डिब्रू सैखोवा असम में है। और पूछा जाए भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है डिब्रू सैखोवा, असम का डिब्रू सैखोवा भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है। फिर दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है, 1998 में। पंचमढ़ी, ये मध्य प्रदेश में है बायोस्फीयर रिजर्व। कंचनजंगा सिक्किम में है। अगस्त्यमलाई केरल। अचानकमार अमरकंटक छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर है अचानकमार अमरकंटक। कच्छ गुजरात, कोल्ड डिजर्ट, ये आपका यानी शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश, भारत का 16वां बायोस्फीयर रिजर्व कोल्ड डिजर्ट। भारत का 17वां बायोस्फीयर रिजर्व सेसाचलम आंध्र प्रदेश में है। और सेसाचलम की पहाड़ियां पूर्वी घाट पर्वतों के अंतर्गत आती है। पन्ना 2011 में मध्य प्रदेश में है, और इसे एक बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। तो आप देख रहे हैं कि भारत में कुल बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या 18 है, और जो लेटेस्ट तीन बायोस्फीयर रिजर्व हैं
जैसे 16वें नंबर का बायोस्फीयर रिजर्व कोल डिजर्ट, 17वें नंबर का शेषाचलम, और भारत का जो सबसे नवीनतम बायोस्फीयर रिजर्व है वह पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, जिसे 2011 में बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया था। ठीक है, तो इनको जैसे अब सवाल कैसे पूछे जाते हैं बायोस्फीयर रिजर्व से, आपसे पूछ दिया जाएगा कि नंदा देवी कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, नोकरेक कहाँ पर है, मेघालय में है, ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो बायोस्फीयर रिजर्व और कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है, इसको कब घोषित किया गया, हालांकि ईयर तो बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, ज़्यादातर जो है राज्य पूछे जाते हैं कि कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है, सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व, सबसे छोटा, और सबसे जो बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है वो है आपका कच्छ भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। हाँ, इसमें ये ज़रूर याद रखिएगा कि इन बायोस्फीयर रिजर्व में से जो 12 बायोस्फीयर रिजर्व है उन्हें यूनेस्को की मैब प्रोग्राम में शामिल किया गया है, जिसे हम लोग बोलते हैं यूनेस्को जो है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में उनको शामिल किया गया है, या वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में भारत के 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से 12 को शामिल किया गया है, और सबसे लेटेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व जिसे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल किया गया है वो है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये हो गए बायोस्फीयर रिजर्व। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के रूप में जाना जाता है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान सेकेंड ऑप्शन, गैंडे को पुनर्वासित करने का कार्य निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में किया जा रहा है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए यहाँ पर पुनर्वासित शब्द का प्रयोग किया गया है, ये नहीं पूछा गया है कि गैंडे भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं। वैसे तो गैंडे भारत में सबसे ज़्यादा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, लेकिन इनको पुनर्वासित करने का काम जो है उत्तर प्रदेश के दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में किया जा रहा है। जैसे अभी हमने पढ़ा है कुछ समय पहले कि भारत में नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से कुछ चीते लाए गए हैं, और इन चीतों को मध्य प्रदेश के पालपुर कूनो जो है नेशनल पार्क में या वन्य जीव अभयारण्य में पुनर्वासित किया गया है। तो पालपुर कूनो मध्य प्रदेश में है, तो इनको ये पुनर्वासित करने से संबंधित सवाल है, तो इसका सही जवाब होगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और निम्नलिखित राज्यों में उस राज्य को चुनिए जिसमें सबसे अधिक वन्य जीव अभयारण्य है, जैसे मध्य प्रदेश तीसरा ऑप्शन हो जाएगा इसमें। चौथा, निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है, चूंकि इसमें मध्य प्रदेश नहीं है तो फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह पहला ऑप्शन। और निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, बांदीपुर कर्नाटक, राजाजी उत्तराखंड, सिमलीपाल पिन वैली। तो बांदीपुर का संबंध कर्नाटक से है, राजाजी का संबंध उत्तराखंड से है, सिमलीपाल का संबंध उड़ीसा से है। अच्छा, सुमेलित नहीं है, तो इसमें चौथा ऑप्शन सुमेलित नहीं है, पिन वैली, क्योंकि पिन वैली नेशनल पार्क ये जम्मू कश्मीर में ना होकर के हिमाचल प्रदेश में है। पिन वैली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में ना होकर के हिमाचल प्रदेश में है। अगला सवाल, सरिस्का एवं रणथंभौर निम्न में से किन जानवरों के लिए संरक्षित क्षेत्र हैं, बाघ टाइगर, और ये दोनों ही सरिस्का और रणथंभौर ये दोनों ही कहाँ पर पाए जाते हैं, राजस्थान, ये दोनों ही राजस्थान में हैं। तीसरा ऑप्शन, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान ये जम्मू कश्मीर में है सेकेंड ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एक बस्तर क्षेत्र में अवस्थित है, बस्तर का मतलब छत्तीसगढ़, और जैसे छत्तीसगढ़ में है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान चौथा ऑप्शन, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है, दंडेली एनसी कर्नाटक में है, राजाजी उत्तराखंड में है, और छत्तीसगढ़ में है इंद्रावती, और इस राष्ट्रीय उद्यान से एक नदी प्रवाहित होती है इंद्रावती नाम की ही, जो गोदावरी की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, महान हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान
हिमाचल प्रदेश सही सुमेलित है, राजा जी ये सही सुमेलित नहीं है, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में ना हो करके उत्तराखंड में है, और इस राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण सी राजगोपालाचारी के नाम पर किया गया है। येलोस्टोन नेशनल पार्क, ये विश्व का पहला नेशनल पार्क है येलोस्टोन नेशनल पार्क, और ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। चौथा ऑप्शन, निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? भितरकनिका पश्चिम बंगाल में है, भितरकनिका उड़ीसा में। पहले इसका सही आंसर जान लीजिए, इसका सही आंसर है मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, ये सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। भितरकनिका उड़ीसा में है, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है, और गहर माता भी उड़ीसा में है। भितरकनिका का जो गहर माता है वो ओलिव रिडले कछुओं के प्रजनन के लिए जाना जाता है। ओलिव रिडले कछुए, जो सबसे छोटे समुद्री कछुए होते हैं उन्हीं को ओलिव रिडले कछुए कहते हैं। तो ओलिव रिडले कछुओं के नेस्टिंग, ठीक है, ओलिव रिडले कछुओं के नेस्टिंग के लिए गाहिर माथा जाना जाता है, और ओलिव रिडले कछुओं की नेस्टिंग को कहते हैं एरिबडा। ओलिव रिडले कछुओं की नेस्टिंग को कहा जाता है एरिबडा कहा जाता है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, लोकटक झील, नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान, उपर्युक्त में से कौन सा सही सुमेलित है? तो देखिए, नोकरेक मेघालय में है, ये सही सुमेलित है, लोकटक झील असम में नहीं मणिपुर में पाई जाती है, ये गलत है, नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में नहीं अरुणाचल प्रदेश में है, और ये भारत का सबसे पूर्व में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है, इसलिए सवाल का जवाब हो गया ऑप्शन ए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, संरक्षित क्षेत्र भितरकनिका उड़ीसा, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल यानी लवण जल मगर, ये सही है, मरुस्थली राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, महान भारतीय सारंग, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये सही है, एराविकुलम केरल, जो केरल का एराविकुलम नेशनल पार्क है वो एक खास प्रकार की बकरियों जिसको नीलगिरी ताहिर के नाम से जाना जाता है उसके लिए प्रसिद्ध है। गिब्बन जो कि एक प्रकार का एप है, ये मुख्य रूप से असम में मिलते हैं, गिब्बन असम, तो इसका पहला और दूसरा सही है, सेकेंड ऑप्शन। बुक्सा बाघ परियोजना, जैसे बुक्सा पश्चिम बंगाल में है, चौथा ऑप्शन। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान नई दिल्ली में, तीसरा ऑप्शन। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक ठीक है, मानस असम सही है, पेरियार केरल सही है, सिमलीपाल मध्य प्रदेश में ना होकर के उड़ीसा में है। निम्नांकित राज्यों में किसमें साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है, यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए राजस्थान का डेजर्ट नेशनल पार्क पहला ऑप्शन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, उत्तराखंड राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड, असम मानस असम, उड़ीसा सिमलीपाल, और कर्नाटक बांदीपुर, ये हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा ए का टू बी का फोर सेकेंड ऑप्शन। सुमेलित कीजिए, भरतपुर बर्ड सेंचुरी, बांधवगढ़, काजीरंगा, तो गिरवन गुजरात में है, भरतपुर बर्ड सेंचुरी राजस्थान में है, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है, और काजीरंगा असम में है, तो ए का फोर बी का वन सेकेंड ऑप्शन इसका सही है। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड के साथ में सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए, दाचीगाम जम्मू कश्मीर, पापीकोंडा आंध्र प्रदेश, सरिस्का राजस्थान, और बांदीपुर कर्नाटक, तो ए का टू बी का वन सेकेंड ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम सही है,
कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड सही है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु ये गलत है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में ना होकर के कर्नाटक में है। निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ में स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। देखिए अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, कर्नाटक में है। बेतला झारखंड में है और इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है। गुगामल महाराष्ट्र में है, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथी पेरियार ये गलत है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भी हंगुल के लिए नहीं बल्कि हाथियों के लिए जाना जाता है। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क ये हिमाचल प्रदेश में है, सेकेंड ऑप्शन। नीलगिरी की मेघ बकरियां एराविकुलम राष्ट्रीय पार्क केरल में पाई जाती हैं। शांत घाटी इसको भी याद रखना बेटा, शांत घाटी भी केरल में है और ये घाटी पश्चिमी घाट पर्वत पे अपनी जैव विविधता के लिए जानी जाती है और इस घाटी से एक नदी बहती है कुंती पुझा जो कि भरत पुझा की सहायक नदी है। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी गुड़गांव में, हरियाणा में है, गुड़गांव में। निम्नलिखित में से किस देश में इसके कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है? भूटान, ठीक है भूटान। अब जैसे आपसे कभी पूछा जाए कि किस देश को कार्बन निगेटिव कहा जाता है, किस देश को कार्बन निगेटिव देश कहा जाता है? भूटान को, क्योंकि भूटान में बड़ी मात्रा में वन है। जैव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र यानी बायोस्फीयर रिजर्व पूछ रहे हैं, बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? तो बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब है आनुवांशिक विभिन्नता से। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, चौथा ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया गया है? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व पहला ऑप्शन, कार्बेट उत्तराखंड में है, राजाजी उत्तराखंड में है, गिरवन गुजरात में है। भारत के बायोस्फीयर रिजर्व में हाल ही में एक और जुड़ा है, निम्न सूची में वह नवीनतम कौन सा है? पन्ना, जैसे सबसे लेटेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है पन्ना। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, सिमलीपाल उड़ीसा, कोल डिजर्ट हिमाचल प्रदेश। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। नीलगिरी, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को स्थापित किया गया था 1986 में, ए का फोर सेकेंड ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है? अगस्त्यमलाई ये बायोस्फीयर रिजर्व है केरल, केरल। नल्ला मलाई नहीं है, सेकेंड ऑप्शन। देखिए नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ ये आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं, पूर्वी घाट पर्वत के अंतर्गत, पूर्वी घाट पर्वत के अंतर्गत नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं और इन पहाड़ियों में एक जनजाति रहती है चेचू जनजाति, इन पहाड़ियों में एक जनजाति रहती है चेचू जनजाति। नोकरेक सुमेलित है, नोकरेक, नोकरेक मेघालय, मानस असम, मानस असम, दिहांग दिबांग अरुणाचल और अगस्त्यमलाई केरल। तो इसमें ए का थ्री बी का टू, ए का थ्री बी का टू सेकेंड ऑप्शन सही है इसका। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सिमलीपाल उड़ीसा सुमेलित है, सही है। नोकरेक मेघालय ये भी सुमेलित है, अगस्त्यमलाई केरल। कंचनजंगा ये सुमेलित नहीं है, कंचनजंगा हिमाचल प्रदेश में ना होकर के सिक्किम में है और आप जानते हैं कि बृहद हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा माउंट एवरेस्ट के बाद। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जैवमंडल आगार यानी बायोस्फीयर रिजर्व और इनकी लोकेशन अवस्थिति आज सुमेलित नहीं है। तो नंदा देवी उत्तराखंड में है सही है, कंचनजंगा सिक्किम में सही है, अगस्त्यमलाई केरल में सही है, मानस ये जो मानस है ये मानस मेघालय में ना होकर के असम में है, असम में है पहला ऑप्शन। और सिमलीपाल, इसमें देखिए सवाल को देखिए, सिमलीपाल
सिमलीपाल उड़ीसा, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, नोकरेक मेघालय और कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश। तो सिमलीपाल यानी ए का फोर बी का थ्री फोर्थ ऑप्शन। भारत के निम्नलिखित बायोस्फीयर रिजर्वों में से कौन सा गारो पहाड़ियों में, तो गारो पहाड़ियां कहां पर है, मेघालय, और इसका सही जवाब होगा नोकरेक, अगस्त्यमलाई केरल, दिहांग दिबांग अरुणाचल, नंदा देवी उत्तराखंड। निम्नलिखित में से कौन एक यूनेस्को द्वारा प्रमाणित यानी यूनेस्को द्वारा प्रमाणित यानी जिन मतलब वो बायोस्फीयर रिजर्व जो जिन्हें यूनेस्को ने वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल किया है। भारत का सबसे बड़ा जैव मंडलीय निधि है, इसका सही जवाब होगा मन्नार की खाड़ी। अब देखिए यहाँ पर दो बातें हैं, जैसे भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व पाए जाते हैं और 18 में से जो 12 बायोस्फीयर रिजर्व है वो उन्हें यूनेस्को के मैप प्रोग्राम में शामिल किया गया है या उन्हें यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है। तो इन 12 में से सबसे बड़ा भारत का बायोस्फीयर रिजर्व है मन्नार की खाड़ी। लेकिन अगर पूरे 18 में पूछा जाए कि पूरे 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो फिर इसका सही जवाब है कच्छ, गुजरात का कच्छ। और कच्छ को अभी WNBR में शामिल नहीं किया गया है। भारत का 16वां बायोस्फीयर रिजर्व शीत मरुस्थल कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। सेकेंड, बुंदाला श्रीलंका। तीसरा, पेरियार केरल में है और ये जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, सिमलीपाल, नोकरेक, दिहांग दिबांग, अगस्त्यमलाई। तो सिमलीपाल असम में ना होकर के उड़ीसा में है, नोकरेक मेघालय में, यही सही सुमेलित है, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है और अगस्त्यमलाई केरल में है। और इस सवाल का सही जवाब होगा सेकेंड ऑप्शन, नोकरेक। एक सींग वाला गैंडा असम और असम के साथ है पश्चिम बंगाल, सेकेंड ऑप्शन। अभयारण्य यानी सेंचुरी जो राइनो यानी गैंडे के लिए जानी जाती है, असम का काजीरंगा, पहला ऑप्शन। जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ पर है, गुजरात में, जो कच्छ क्षेत्र है, गुजरात का जो कच्छ क्षेत्र है वो जंगली गधों के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभयारण्य नहीं है यानी टाइगर रिजर्व पूछा जा रहा है, टाइगर रिजर्व नहीं है। देखिए भारत में करीब करीब जो है 54 से 55 टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं। तो पहले तो कुछ प्रमुख टाइगर रिजर्व की सूची हम लोग देख लेते हैं और उसके बाद में टाइगर रिजर्व से संबंधित सवालों को सॉल्व करेंगे। जैसे ये भारत के जो प्रमुख टाइगर रिजर्व हैं और आप जानते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर भारत में 1973 में प्रारंभ हुआ था टाइगरों की संख्या को बढ़ाने के लिए। और जो भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है नागार्जुन सागर श्रीशैलम, ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। तो देखिए कैसे आपको याद रखना है, जैसे हमने बताया करीब करीब भारत में 54 से 55 टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं और नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में है, अमराबाद तेलंगाना में है, कामलांग अरुणाचल प्रदेश में है, औरंग असम, पाखुई अरुणाचल प्रदेश, पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश, इनको नोट कर लीजिएगा कॉपी में, गुरु घासीदास छत्तीसगढ़, तमोर पिंगला छत्तीसगढ़, रामगढ़ बिस्धारी राजस्थान में है, रामगढ़ बिस्धारी टाइगर रिजर्व राजस्थान में, विल्लुपुथुर मेघमलाई तमिलनाडु, भद्रा टाइगर रिजर्व कर्नाटक, सब इम्पोर्टेंट है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश, अमराबाद तेलंगाना, कामलांग अरुणाचल प्रदेश, औरंग, ऐसे आपको याद करना है कि नागार्जुन सागर श्रीशैलम कहाँ पर है आंध्र प्रदेश, अमराबाद कहाँ पर है तेलंगाना, तो भद्रा कर्नाटक में है। आगे देखिए बोरी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, दंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम, कलाकार मुंडन थुरई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु, सतकोसिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा,
अचानकमार छत्तीसगढ़, डंडेली एनसी कर्नाटक, उदंती सीता नदी छत्तीसगढ़, मेलघाट महाराष्ट्र, नवेगांव नागजीरा महाराष्ट्र, मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व राजस्थान, कावल टाइगर रिजर्व तेलंगाना, बिलीगिरी रंगनाथ कर्नाटक, पेराम्बिकुलर केरल, कान्हा किसली मध्य प्रदेश, वाल्मीकि बिहार। और ये ईयर याद रखिएगा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, भारत में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की स्थापना कब हुई? 2005 में हुई। अगर पूछा जाए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो भारत के जो भी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री होते हैं वही नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के अध्यक्ष होते हैं। और एक होता है भारतीय वन्य जीव बोर्ड के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। देखिए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के अध्यक्ष जो भी हमारे पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं वो, और भारतीय वन्य जीव बोर्ड के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ये कुछ प्रोजेक्ट है इम्पोर्टेंट, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में चलाया गया, प्रोजेक्ट हाथी 1992 में, प्रोजेक्ट गेंडा 1987, प्रोजेक्ट घड़ियाल 1975, हंगुल परियोजना 1977, थामिन परियोजना 1977। अब देखिए सवाल आपसे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से ब्याघ अभयारण्य या टाइगर रिजर्व कौन सा नहीं है, तो कान्हा किसली मध्य प्रदेश में ये है, रणथंभौर राजस्थान में, काजीरंगा, तो काजीरंगा को टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित नहीं किया गया है क्योंकि काजीरंगा अपने वन हॉर्न राइनो के लिए जाना जाता है। काजीरंगा किस लिए प्रसिद्ध है? गेंडे के लिए, पहला ऑप्शन। असम में मानस अभयारण्य जाना जाता है बाघों के लिए, सेकेंड ऑप्शन। शुक्ला फांटा वन्य जीव अभयारण्य नेपाल में है, और राष्ट्रीय पार्क वन्य जीव अभयारण्य को सूची के साथ में सुमेलित कीजिए, जैसे बोंडला वन्य जीव अभयारण्य है ये गोवा में है, बोंडला वन्य जीव अभयारण्य गोवा, कांगेर घाटी छत्तीसगढ़, औरंग असम, और ऊषा कोठी उड़ीसा। तो देखिए बोंडला ए का फोर बी का थ्री यानी सेकेंड ऑप्शन। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखुई वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, पाखुई टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए। अब ये यूपी के कुछ पक्षी विहार हैं, और एक वीडियो हम उत्तर प्रदेश पर लेकर के आएंगे, नवाबगंज पक्षी विहार, उन्नाव, ओखला पक्षी विहार, गाजियाबाद, समस्तपुर पक्षी विहार, रायबरेली, पार्वती पक्षी विहार, गोंडा। तो नवाबगंज ए का टू बी थ्री, ओखला पक्षी विहार, गाजियाबाद ए का टू बी का थ्री, इसमें कोई भी ऑप्शन सम्मिलित नहीं है। पार्वती औरंगा गोंडा D1, और समसपुर रायबरेली C का 4। A3 B2, ठीक है। तो थोड़ा इसमें देखिए ऑप्शन इसमें से कोई भी मैच नहीं कर रहे हैं, आप ऐसे सीख लीजिएगा, नवाबगंज पक्षी विहार, उन्नाव, ओखला पक्षी विहार, गाजियाबाद, समसपुर पक्षी विहार, रायबरेली, और पार्वती औरंगा गोंडा। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना? पश्चिमी घाट पर्वत, और हॉर्नबिल पश्चिमी घाट पर्वत में भी पाए जाते हैं, पूर्वोत्तर भारत में भी पाए जाते हैं, और नागालैंड में एक प्रमुख महोत्सव मनाया जाता है जिसका नाम है हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। भारत का प्रथम तितली उद्यान बन्नेरघट्टा
बंगलुरु पहला ऑप्शन। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाते हैं? 29 जुलाई। 29 जुलाई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। सरकार के बाघ परियोजना का उद्देश्य क्या है या प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य क्या है? और इसका उद्देश्य है भारतीय बाघ को समाप्त होने से बचाना, और ये परियोजना 1973 से प्रारंभ की गई। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था 1973 में। सेकेंड ऑप्शन, भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास पाया जाता है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर, नाम क्या है? नागार्जुन सागर, नागार्जुन, श्रीशैलम। और अगर पूछा जाए भारत के किस राज्य में बाघ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं, दूसरा स्थान कर्नाटक का है और तीसरा स्थान उत्तराखंड का है। तीसरा स्थान उत्तराखंड का है। और जैसे टाइगर स्टेट किसे कहते हैं, किस राज्य को टाइगर स्टेट कहते हैं, तो मध्य प्रदेश को, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। बांदीपुर, बांदीपुर कर्नाटक में है, मानस असम में है, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है और सिमलीपाल उड़ीसा। ए का 3 बी का 1। थर्ड ऑप्शन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में बाघ संरक्षित परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है? अब दुधवा टाइगर रिजर्व, उत्तराखंड कान्हा, मध्य प्रदेश मानस असम, चिल्का। इसका सही जवाब है चिल्का। चिल्का, चिल्का जो झील है, एक लैगून है, चिल्का झील एक लैगून है और भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील, जो उड़ीसा में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है बाघों के लिए। चौथा ऑप्शन, निम्नलिखित रक्षित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। बांदीपुर, भितरकनिका, मानस, सुंदरबन। उपर्युक्त में से कौन से बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं? अब बांदीपुर, मानस, सुंदरबन, 1 3 4, 1 3 4, सेकेंड ऑप्शन। और ये जो भितरकनिका है, भितरकनिका है, ये भितरकनिका सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल वगैरह, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, मैंग्रोव और बर्ड की बहुत सारी प्रजातियों के लिए जाना जाता है। भितरकनिका बाघों के लिए नहीं जाना जाता है। कच्छ वनस्पति का सुंदरबन, ठीक है, यानी मैंग्रोव, कच्छ वनस्पति का मतलब मैंग्रोव का सुंदरबन किस राज्य में है, यानी सुंदरबन कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। और आप जानते हैं कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा दुनिया का जो सबसे बड़ा डेल्टा बनाया जाता है, उस डेल्टा को सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं, क्योंकि इस डेल्टा में सुंदरी नामक मैंग्रोव वृक्षों की अधिकता होती है, अधिकता है, इसलिए इसको सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं। मैंग्रोव वनस्पतियाँ क्या होती हैं कि जो खारे पानी में उगने वाली वनस्पतियाँ हैं, उन्हीं को मैंग्रोव वनस्पतियों के नाम से जाना जाता है। मैंग्रोव वनस्पतियाँ सबसे ज़्यादा, मैंग्रोव भारत में सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में है। भारत के निम्न टाइगर रिजर्व में से कौन सा मिजोरम में है? अब देखिए, मेलघाट, मेलघाट महाराष्ट्र में है, मेलघाट महाराष्ट्र में है, बुक्सा पश्चिम बंगाल में है, दंपा ये मिजोरम में है और भद्रा कर्नाटक में है। तीसरा ऑप्शन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बुक्सा ये सुमेलित नहीं है, बुक्सा पश्चिम बंगाल में है और बाकी सभी सुमेलित है। नामेरी असम, नामदाफा अरुणाचल, दंपा मिजोरम। निम्नलिखित में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र दो राज्यों में है? कान्हा ये केवल मध्य प्रदेश में है, मानस केवल असम में है, सरिस्का केवल राजस्थान में, पेंच ये पेंच का कुछ भाग महाराष्ट्र में है और कुछ भाग मध्य प्रदेश में है। बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का ये राजस्थान में है, सेकेंड ऑप्शन। और इसको सुमेलित करना है तो बांदीपुर, बांदीपुर कर्नाटक, मेलघाट महाराष्ट्र, बुक्सा पश्चिम बंगाल, पाकुई अरुणाचल प्रदेश। तो ए का 2 बी का 4, सेकेंड ऑप्शन। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, मानस वन्यजीव अभयारण्य असम, पेरियार केरल, सिमलीपाल मध्य प्रदेश, ये गलत है।
सिमलीपाल मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि उड़ीसा में। निम्नलिखित नेशनल पार्कों में किस एक में जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती रहती है? नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश। चौथा, एम स्ट्राइप शब्द कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है? बाघ अभयारण्यों के रखरखाव के लिए एक मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित किया गया है, उसी को एम स्ट्राइप के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, दंपा टाइगर रिजर्व, गुमटी, सारामती, उपर्युक्त में से कौन सा सुमेलित है? तो दंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम में है, गुमटी ये त्रिपुरा में है, सारामती नागालैंड में है, सारामती नागालैंड में है। ठीक है, एक दो चार, ये तीन होना चाहिए यहाँ, एक और तीन, तीसरा ऑप्शन, ये त्रिपुरा में है गुमटी। और भारत में हाथी परियोजना कब शुरू की गई? 1992 में, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992। पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से पूर्वी घाटी और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में निम्नलिखित में से किसका महत्व अधिक है? यह सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ये तमिलनाडु में है बेटा, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। और आप कह सकते हैं जैसे पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत के मिलन बिंदु पर स्थित है तमिलनाडु का सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, और इसको जो है TY2 अवार्ड मिला हुआ है था कुछ समय पहले। और इसमें जो ऑप्शन है जैसे नल्लामला इवन आंध्र प्रदेश, नागरहोल ये कर्नाटक हो गया, सेसाचलम ये आंध्र प्रदेश में है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस नदी से अपना जल प्राप्त करता है? रामगंगा नदी से। और राष्ट्रीय पार्कों और संरक्षण में रखे वन्य जीवों जैसे बांदीपुर, कर्नाटक का बांदीपुर ये तो हो गया, बाघ अभयारण्य, काजीरंगा एक सींग वाले गैंडा, वन हॉर्न राइनो, और सिमलीपाल जैसे हो गया हाथियों के लिए, तो सुंदरबन क्या हो गया, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, ए का वन बी का थ्री, इसमें बेस्ट आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन, ए का वन बी का थ्री सी का फोर। ठीक है, तो इसको इससे सुमेलित कर लीजिएगा, काजीरंगा एक सींग वाला गैंडा, सुंदरबन जयमंडल और बाघ अभयारण्य, हाँ ठीक है, और सिमलीपाल हाथी सेकेंड ऑप्शन। इसमें देखिए इतांकी नेशनल पार्क नागालैंड में है, बेतला झारखंड में है, सिरोही मणिपुर में है, और ग्विंदिल तमिलनाडु में है। तो इतांकी नागालैंड ए का थ्री, बेतला झारखंड बी का वन थर्ड ऑप्शन। और आज के सेशन का आखिरी सवाल है, इसको भी सुमेलित करना है, काजीरंगा किस लिए प्रसिद्ध है? एक सींग के गैंडे के लिए, गिर शेर के लिए, सुंदरबन बाघ के लिए, और पेरियार केरल का हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ए का फोर बी का थ्री सी का वन थर्ड ऑप्शन। ठीक, तो इस प्रकार से भारत में हमने बायोस्फीयर रिजर्व नेशनल पार्क वगैरह को डिस्कस किया, और उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।